ना कदी गल मनिए ते ना मनांगे। जेड़ा सानू आकड़ वखाएगा उस साले दी आकड़ घर जाके पन्नांगे। बाबा जी बदमाशी चोड़ियां नासा ली अपने नासा दे वेख। म्यूजिक हेलो मरबाने अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। नहीं तो यार आज टटिक टोक से कचरा जमा कर करके मुझे खुद में से जमादार वाली फीलिंग आ रही है। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, बंदा भाई जमादार ही बन जाए लेकिन कभी टिकटॉक करना बने। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। तो भैया ज्यादा खराब हो तो नाइला जट से रब्ता करें। ओके तो आज भी मैंने कुछ कचरा जमा किया, एक एक करके सबको देखते हैं और फिर इन सबको देखते हैं। चलो भाई ना कदी गल मनिए ते ना मनांगे। जेड़ा सानू आकड़ वखाएगा उस साले दी आकड़ घर जाके पन्नांगे। बाबा जी बदमाशी। हाँ सही कह रही है, किसी की बात नहीं सुनती है। अगर इसने टाइम पे अपने बड़ों की बात माननी होती ना तो आज टिकटॉक पे धक्के ना खा रही होती। तो जाओ पहले अपना नाक साफ करो फिर बदमाशी भी कर लेना। वैसे भी मैं ऐसे बदमाश को मानता ही नहीं जिसके बटन ही ना खुले हो। बदमाश तो ऐसे होते हैं बाबा जी बदमाशी। ऐसी लड़कियां होती हैं अपनी दोस्त के साथ 5-5 घंटे गप्पे मारने के बाद कहती हैं बहन मेरा मुंह ना खुलवाना। श्रीको किन्नु आ बोती टेंशन थले करे कमेंट ते मेंशन। बाबा जी बदमाशी। ओ जाके भांडे तो बड़ी बदमाश। अभी ये बड़ी बदमाशी की बातें कर रही है, हफ्ता पहले व्यूज नहीं आ रहे थे तो रोती फिरती थी, अली खान गुलेरी का नाम ले लेके तो ये मशहूर हुई है और अब देखो बदमाशी सदके तेरे। अली खान जब मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी तब तुम लौट के आओगे, मेरे प्यार का और इम्तिहान मत लो। और लड़कियों के साथ तुम वीडियो बना रहे हो, वापिस आ जाओ लौट के। ए बांदरिया तू कि अली खान के पीछे लग गई है, चोरियां नासा ली अपने नासा दे वेख। सुरमा तू ट्रक जिन्ना लुद लैनी है। जब इसकी ये ड्रामेबाजी साइलेंट गलत की तरह ना चली तो साथ ही बाबा जी बदमाशी, वाह इससे तो अच्छा ही अपने साथ कुछ कर ही ले। चलो मूंछों तक तो ठीक है पर परवट्टों पे कौन आटा लगाता है? ये लगता है फेरन लवली हाथों पे डोल के मुंह पे छट्टा मार लेती होगी। देखो यार क्रीम से परवट्टे ही गायब कर लिए इसने। ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके बारे में कहते हैं मेकअप धोया दुलार होया। जिस तरह इसने लाल ड्रेस पे फुल चीटा मेकअप किया है ना, कसम से एम्बुलेंस ही लग रही है। जितना ये मेकअप करती है इसके पास मेकअप किट तो नहीं होगी बल्कि इसके पास लात बराए दुरुस्तगी और मरम्मत खवातीन होंगे। हम जरा खफा क्या हुए, आप तो बेवफा हो गए। अच्छा 600 किलो मेकअप लगाने के बाद भी दिल नहीं भरा तो वीडियो बनाने के लिए सूरज की रोशनी सीधा मुंह पे पड़ना भी जरूरी है। ऐसी लड़कियां होती हैं शादी के बाद अपना बच्चा अपने हस्बैंड को पकड़ा के ये कह के जाती हैं कि मैं अभी आई थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के, लेकिन जब ये वापस आती हैं तो इनकी दुनिया बदली होती है। अपने ही बच्चे को देख के अपने हस्बैंड से पूछ रही होती हैं ये भाई कौन है, वो तो बाद में इनका हस्बैंड बताता है कि ये आपके ही काका है जो आप 20 साल पहले पकड़ा के ये कह के गई थी कि मैं अभी आई थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के। कहा था ना जाने मन, अगर तुम बदले तो कुछ नहीं और अगर हम बदले तो कुछ नहीं और अगर ये भाई बदले तो भी कुछ नहीं। भाई ना? हाँ जी भाई। मफहूम की है? कुछ नहीं। वजने, वजने। वो सब छोड़ो ये बताओ गर्दन ने क्या बिगाड़ा था? वो मासूम सी बच्ची है, उसकी ट्रेनिंग भी अभी से शुरू कर दी है इसने कि और कुछ चाहे लब्बे ना लब्बे, मेकअप स्पीड 490 की बांदरी ते की चंगड़िया, इधर वेख मुल्तान दिया लंगड़िया। नो 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 मैंने ये कभी नहीं कहा लेकिन आज कहूंगा कि ऐसी चीजें ना बारिश होने के बाद निकलती हैं। की बांदरी ते की चंगड़िया, इधर वेख मुल्तान दिया लंगड़िया। No. बांदरी चंगड़ी और लंगड़ी तीनों का सैंपल तेरे पास है, लंगड़ी के तो पल्ली कुछ नहीं, चूसी हुई अम्बी लग रही है और इसकी टांगे देखो इतनी पतली हैं, सोकड़ा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे पिंक पैंथर की बाजी होती है। पिंक पैंथर ऑनलाइन मंगवाओ ना तो अंदर से ये निकलती है, जैसे ये चल रही है ना लगता है लंगड़ी कुकड़ी होती है। बसों में फक्कियां बेचने वाले नहीं होते, जिस डब्बी में उन्होंने फक्की डाली होती है ना उस डब्बी जैसा इसका मुंह है। इसने हाथ में जो सोटी पकड़ी है ना उस सोटी की नुक्कड़ जैसा इसका मुंह है, वो सोटी भी इससे सेहतमंद है। इसका मुंह ऐसे है जैसे दरख्त पे फटी जराब सूखने डाली है। आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, आउट होने के बाद अंपायर जो उंगली उठाता है ना उस उंगली जैसा इसका मुंह है, बल्कि कह लोगे दूर फिटे मुंह है।
पता नहीं इसका भाई है या इसकी बहन, इसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये मुंह किसी को दिखाने वाला, किसी के सामने आने वाला नहीं। चलो इसका तो रो दो के मान ही लेते हैं, वैसे भी ये लकड़ी है, ये बर्दाश्तेबल है, लेकिन ये क्या चवल है? ऐसे बच्चे पैदा होना तो डॉक्टर सीधा आके माँ पियो को कहता है की चवल मारी है। यकीन करो मेरा ऐसा मुंह होता ना तो मैंने अपने माँ बाप पे केस कर देना था की चवल मारी है। और ऊपर से हंस भी रहा है, बंदे का ऐसा मुंह होना तो बंदे ने खुद को देख के रोना नहीं तो कम से कम सीरियस ही हो जाता है, पर नहीं, क्योंकि ये तो ठहरे टिक टॉकर। और जहां तक बात है इस खाप की, तो इसे तो लगता है घर से निकाला हुआ है। चाचा ओ वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ये आंटी तो अबू को ही साथ ले आई है, ये अंकल कहीं गिर गए ना तो ये इनकी जिंदगी का आखिरी एक्सीडेंट साबित होना है। ऐसी बांदरों वाली हरकतें करके इनको मिलता क्या है? इस बाबे की ना उछलते हुए टोपी गिरती होगी तो इस बच्ची ने कहा होगा अब्बा जी ये टोपी उड़ा फटाए और छह इतना करें, और फिर बाबा भी कहता होगा ले भी पुत्र हूं मैं गंद बहा देना टिकटॉक पे। हुसन देख रहे हो लड़के का, क्रिस गेल का गोड़ा होता है, जैसे खराब टमाटर होता है, जैसे कूड़े का छापर होता है, आर 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 ये चल ऐसे रहा जैसे खोता पेंचर हुआ है, आर 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 जैसे जहाज का सिलेंसर होता है, आर 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 जैसे सड़ा कबाब होता है, आर 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 इसका मुंह ऐसे है जैसे काले इलम में बीएस किया होता है, आर 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 ऐसा लगता है रेगिस्तानी मलंग होता है, आर 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 इसका मुंह ऐसे है जैसे दरवाजे की खराब कुंडी होती है। यार जो भी है इसकी खुशी का लेवल चेक करो आप, और कुछ लोग तो एवं खाते पीते रोते रहते हैं और इधर देखो एवं खुशियां चढ़ी हैं, ऐसा लगता है जैसे तस्मो वाली जूती होती है। बस आखिरी थी प्याज मसली जिंदाबाद, जैसे नशे ही बकरा होता है की लाहौर ते की पिशौर है, बाबा जी टट्टी वाले दा इक अपना ही टोर है, बाबा जी काढ़ा हो मैनू टट्टी आंदी पई, हो मैनू टट्टी आंदी पई, लख दी नारत तेरे मुंह ते। इस बंदे ने भी टिकटॉक पे अपना ही गटर खोला हुआ है, सारे टिकटॉक का गंद एक तरफ और ये एक तरफ कर दिया जाए तो भी ये बाहर है। इसके तो शनाख्ती कार्ड पे शनाख्ती अलामत ही होनी है, मुंह पे टट्टी का निशान। ये तो जब पैदा हुआ था तो मोहल्ले वालों ने इसके माँ बाप को आगे कहा था कर दी ना, मना किया भी था। तुम टिकटॉक की बात करते हो, शरीकों को जलाने के लिए हमारा नाम ही काफी है, बाबा जी रफिया जट्टी। क्या रफिया टट्टी? रफिया जट्टी। अच्छा जट्टी, मैं समझा कह रही है रफिया टट्टी, असल में मेरे जहन में वो पहले वाला ही सवार है अभी तक। ओके 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 ओके। इस तरह की बंदी अचानक सामने आ जाए तो बंदा मर भी सकता है डर के। इस तरह की चीजों पे टिकटॉक को चाहिए डिस्क्लेमर लगाया करे कि कमजोर दिल हजरात ये वीडियो ना देखें। नहीं फर्ज करो रात को सुनसान सड़क पे आप अकेले जा रहे हो और आगे ये खड़ी आपसे लिफ्ट मांग ले तो आपने तो यही कहना ना भजो तुहाडी भैन दी। ये भी है एक एलेक्स टटी, नहीं एलेक्स बटी, एलेक्स बटी, एलेक्स बटी। अब ये बंदा जितना फेमस है ना इसे इलेक्शन लड़ने चाहिए। खुश रहोगे, इसके माँ बाप भी ये सोच सोच के परेशान होते होंगे कि हमारे बच्चे का जहेज आएगा या जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ इसके माँ बाप को चाहिए ये टेंशन लेना छोड़े कि शादी पे शेरवानी डालेगा या लहंगा, बल्कि पहले इसके लिए कोई लड़का तो ढूंढ ले। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਐਂਡ ਪੇ ਕੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਆ। ਬਾਵਾ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਆ। ਤੋ ਯਾਰ ਬਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਤੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲਗੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜੋ ਘੰਟੀ ਬਨ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਸਕੋ ਆਲ ਪੇ ਕਰ ਦੇ। ਉਸਸੇ ਯੇ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਈ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੀ। अच्छा, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, लिंक नीचे है। तो अच्छा यार मैं हूं असल सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओए सुन भौक, बोलने की तमीज नहीं है? हाँ तो सुन कौन सा तमीज वाली बात है। अच्छा सॉरी, सुनिए जी भौकिए जी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।